आज हम ट्रेवल करने वाले हैं समय शताब्दी की भारत वैन 9600। सज्जनों गुड इवनिंग फ्रॉम मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया कानपुर। और आज जी यहां से हमारी होने वाली एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी। आज हम ट्रेन जर्नी कोई नहीं करने वाले, आज आपके लिए लेके आए एक्सक्लूसिव बस जर्नी। हम आ चुके हैं समय शताब्दी का, जहां पर ऑफिस है, वेटिंग लाउंज है वहां पर। सबसे पहले ये है भाई समय शताब्दी का पूरा लाउंज, और यहाँ पर कई आपको बसेस वगैरह खड़ी मिल जाएंगी। बाकी यहाँ से अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से काउंटर से आके भी टिकट ले सकते हैं। बाकी जिस बस में आज हम ट्रेवल करने वाले हैं वो है ये समय शताब्दी ट्रेवल लिमिटेड की भारत वैन्स, और इसका नंबर है UP78ST3735। बाकी हमारी बस का जो डिपार्चर टाइम है वो हमको दिया गया है 8 बजे, और लगभग हमारी ये जर्नी होगी 250 किलोमीटर के आसपास। और ट्रेवल टाइम जो हमें लगने वाला है भाई लगभग 8 घंटे। तो अगर हमारे बस के रूट की बात करें तो कानपुर से निकलने के बाद हम लोग पहले जाएंगे लखनऊ। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास इसका पिकअप पॉइंट होने वाला। अगर आप लखनऊ से भी चाहें तो इस बस को बोर्ड कर सकते हैं। इसका लखनऊ से जो आगे हमारा रूट होगा वो होगा लखनऊ से हम जाएंगे सीतापुर, सीतापुर से शाहजहाँपुर, बरेली। आगे का रूट रहेगा बहेड़ी होते हुए हम लोग सुबह लगभग 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे हल्द्वानी रेल सुबह 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे हल्द्वानी, क्योंकि इस बस का जो रूट है ना वो पूरा सिंगल रूट है, और रोड भी भाई कुछ खास ज़्यादा अच्छा है नहीं, इस वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। तो लाउंज देखने को मिल जाएंगे एक अपना, ये है नॉन एसी बस के पैसेंजर के लिए लाउंज। यहाँ पर आकर आप बैठ के काफ़ी देर वगैरह रेस्ट कर सकते हैं। बाकी जिस लाउंज में मैं बैठा हुआ था यह था भाई हमारा एसी एग्जीक्यूटिव लाउंज, जिसको थोड़ा सा अंदर से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का है। तो जी जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे यहाँ पर आपको एक तो देखिए कॉफ़ी मशीन मिल जाएगी, जहाँ से आप कॉफ़ी या चाय वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। बाकी एक अपना टीवी चल रहा है, टीवी वगैरह देख सकते हैं। और ये था हमारा सिटिंग एरिया, काफ़ी देर यहाँ पर बैठा रहा मैं, एडिट वगैरह थोड़ा किया था, क्योंकि अगर आपकी बस को डिपार्ट होने में टाइम बाकी है तो यहाँ पे आकर आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है, कैसे आप बुकिंग कर सकते हैं, क्या फेयर है, क्या रूट है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ आपको इसमें हम बताने वाले हैं। ये भाई हमारी बस बाहर से कुछ ऐसी दिखती है, कलर कॉम्बिनेशन भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, खासकर नेवी ब्लू कलर। बाकी चलिए बस स्टार्ट हो चुकी है, कुछ देर में डिपार्चर होने वाला है। हम कर देंगे एंट्री, यहाँ पर हमारे अंकल जी हैं जो आज बस को लेके जाएंगे हल्द्वानी तक, जाती है ना अंकल, ये हल्द्वानी तक लेके जाएंगे, इनसे भी हम बात करेंगे आगे। बाकी ये कुछ केबिन इंटीरियर है। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह, आप कब से चला रहे हैं बस? ये बस अभी चलाएंगे। अभी चला, इससे पहले भी चलाते थे? अंकल जी लगभग 20 साल से बस चला रहे हो? एक साल हो गया चलाते हुए। तो अंकल जी के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, आगे जर्नी करेंगे। और यहाँ पर भैया भी हैं। भैया आपका क्या नाम है? अभिजीत सिंह। तो भैया मतलब जो पैसेंजर आ रहे हैं ना उनका PNR वगैरह चेक कर रहे हैं। तो चलिए अभी खाली है अंदर, तो अंदर से आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा देते हैं। तो यहाँ से जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे तो ये है भाई, क्या बात है यार, ऐसा कौन सा इंटीरियर है, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा, साफ़ सफाई भाई काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। ये जो है अपना दो लोगों के लिए, आप अगर आप साथ में दो लोग ट्रेवल कर रहे हो तो ये भाई बेस्ट है, आराम से आप बुक करके अपनी प्राइवेसी के लिए। यहाँ पर आपको कर्टन मिल जाएगा, सीट नंबर वगैरह सारा ऊपर दिया गया, म्यूज़िक सिस्टम भी चलता है, वो कब चलेगा रात में। बाकी हमारा जो आज बर्थ है वो है ये वाला के, तो लगेज अपने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ब्लैंकेट दिया हुआ है, एसी चल रहा है भाई, एक लाइट दी गई है। यहाँ पर आप अपना थोड़ा बहुत लगेज वगैरह भी रख सकते हैं, तो बैग यहाँ पर हमने रख दिया है। और ये नीचे वाला लोअर वाला है, यहाँ पर भी देखिए भाई आराम से बैठिए और इन्जॉय कीजिए बस की इस जर्नी को। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है किसी भी स्लीपर बस जर्नी का, इससे पहले भी मैंने बस जर्नी तो आपको दिखाई है, तो मैंने पवन हंस UPSRTC की पवन हंस वॉल्वो की जर्नी दिखाई थी बरेली से लेकर दिल्ली तक। इसके बाद एक मैंने दिल्ली से चंडीगढ़ आपको न्यूगो इलेक्ट्रिक बस की जर्नी दिखाई थी। तो आज आया हुआ था कानपुर, दिक्कत ये है भाई यहाँ से बरेली के लिए कुछ खास कनेक्टिविटी नहीं है ट्रेन की खासकर, तो चेक कर रहा था ट्रेन में किसी में टिकट अवेलेबल था नहीं, तो सोचा क्यों ना चलिए कानपुर से बरेली तक बस जर्नी दिखाते हैं आपके, इन फ्यूचर अगर आप आना चाहें
तो थोड़ा सा आपके लिए भी इजी हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भाई ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आराम से आप अपना डिनर वगैरह करके बैठिए बस में और सुबह पहुंच जाएंगे बरेली। वैसे ये जो बस है ये हमारी जाती है कानपुर से लेकर हल्द्वानी तक। इस बस की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो हम लोग 8 बजे यहाँ से निकलेंगे और सुबह 4 बजे के आसपास पहुँचेंगे बरेली। वही 7 और 6:30-7 बजे तक आप हल्द्वानी पहुँच सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए आप रेड बस से भी कर सकते हैं, अभी बस से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कॉल करके ऑफिस में भी आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं, वरना आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट ऑफिस से आकर काउंटर टिकट भी ले सकते हैं और टिकट आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन इनके सीजन के टाइम में भाई सीट अवेलेबल नहीं रहती है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने दिवाली के टाइम पर ट्राई किया था, तब सीट ही अवेलेबल नहीं मिली थी। कोई नहीं, आज मौका मिला है तो आज ही आपको दिखाते हैं बस जर्नी करके। तो मैं आ चुका हूँ अपनी बर्थ पर, अपर डेक में बर्थ थी, सिंगल के लिए बुक किया तो अपना थोड़ा प्राइवेसी भी, अपना पूरा कर्टन वगैरह लगा के पूरा प्राइवेसी कर लिया, बाकी ऊपर अपना जैकेट रख दिया, बैग भी मैंने ऊपर ही रख लिया है क्योंकि ज़्यादा लगेज है नहीं, इसलिए ज़्यादा कोई इशू भी नहीं होने वाला। और एक लोग के लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ये देखिए अच्छी खासी लेंथ है, आराम से आपकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भाई जर्नी होने वाली है। बाकी यहाँ से निकलने में हमारा एक ही पिकअप पॉइंट होने वाला है, तो एक्साइटमेंट तो भाई बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम स्लीपर बस की जर्नी का ब्लॉग आपके सामने दे रहे हैं भाई। जर्नी करके तो मेहनत पसंद आ रही हो, ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। वीडियो को लाइक करके कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं, बाकी ब्लॉग को भाई आप एंड तक देखा करिए। बीच पे अगर आप कहीं भी छोड़ के जाएंगे तो सच बता रहा हूँ बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। फिर आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये कहाँ पर है वो कहाँ पर है, तो इसलिए आराम से जब टाइम मिले तब टाइम निकाल लीजिए 5-10 मिनट का, इत्मीनान से देखिए ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको इजीली पता चल सके। तो जी अभी हम लोग निकल चुके हैं हमारी बस के फर्स्ट पिकअप पॉइंट हॉल्ट सरोजनी नगर भारत पेट्रोल पम्प से, और यहाँ से निकल कर तब हमारा कोई भी पिकअप पॉइंट वॉइंट नहीं होने वाला है। बाकी चलिए जी यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान जी के आशीर्वाद से, एक बार हो जाए भाई हर हर महादेव। ये कोतवाली फजलगंज के पास है इसका फर्स्ट पिकअप पॉइंट। बाकी ये कुछ नज़ारे देखिए भाई कानपुर शहर के, ये एक ऐसा शहर है जो अंग्रेज़ों का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शहर था, तभी इसको भाई उन लोगों ने नॉर्थ इंडिया की मैनचेस्टर घोषित किया था। तो हमारी बस जस्ट अपने फर्स्ट पिकअप पॉइंट से निकली और निकलते ही हमको एक पानी का 1 लीटर का बोतल सर्व कर दिया गया है ड्यूरिंग जर्नी। भाई इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है पानी की, तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपको बस में पानी की भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 1 लीटर का बस का बोतल मिलेगा। और हमारे भैया सारे पैसेंजर जो भी ऑन बोर्ड है बस में सबको एक एक पानी का बोतल सर्व कर रहे हैं। तो कानपुर से निकलते थोड़ा सा हमको ट्रैफिक मिल चुका है, तो इसलिए अभी हमारी बस जो है ना भाई जाम में फंसी हुई है थोड़ा सा। यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, इधर देखिए भाई गाड़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई है। बाकी जी टाइम हो चुका है इस समय 9 बजने वाला है, आप लग रही है काफ़ी ज़्यादा तेज भूख। और आज का जो हमारा डिनर है ये भाई घर से ही आ गया था, फ्रेंड ये आदर्श भाई ने पैक करा के हमें दे दिया था क्योंकि बाहर का खाना ठीक नहीं था, तो घर से का डिनर हमारा आ चुका है, इसको अनबॉक्स करते देखते हैं। वैसे तो ये आज का हमारा डिनर, इसमें भाई आलू और गोभी की सब्जी और ये हमारे गर्मा गर्म पराठे। बाकी चलिए जी थोड़ा सा आपको टेस्ट करके भी बता देते, लेकिन टेस्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं यार, अच्छा ही होगा। बहुत ज़बरदस्त है भाई, भूख बहुत तेज लग रही है। मैं इसको करता हूँ फिनिश, फिर मिलता हूँ आपसे। इस बस की जो कॉस्ट है ना वो है भाई 42 लाख रुपीज़, यानी कि 42 लाख रुपये की लगभग ये हमारी बस है, पूरी स्लीपर बस है। बाकी चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि कल हमने कवर की थी वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका ब्लॉग अगर अभी तक नहीं देखा तो जाइए पहले उस ब्लॉग पर जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा भाई मेहनत लग रही है यार। अब इस समय थोड़े से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना आपके बिना तो भाई अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, बस थोड़ा सा अगर आप भी प्यार सपोर्ट दिखाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको बनाकर दिखाएंगे। फाइनली कानपुर से लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ,
और यहाँ पर ये बस आएगी ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे। इनकेस अगर कोई लखनऊ से इस ट्रेन को बोर्ड इस बस को बोर्ड करना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास ही इसका लखनऊ में पिकअप पॉइंट बनाया गया है। तो जी लगभग 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं द कैपिटल ऑफ यूपी लखनऊ और लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास। इनका समयपुर शताब्दी का पिकअप पॉइंट है। यहाँ से भी देखिए काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर ने बस को बोर्ड किया है और यहाँ तक आने में हमको लगभग यार 2.5 घंटे से ज़्यादा लग गया क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था भाई। और जिस तरह से बस ऐसे चल के आई है ना, मतलब मज़ा तो आ रहा है जर्नी करने में, जर्नी तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रही है, लेकिन भाई समय काफ़ी ज़्यादा लग गया। अब देखते हैं कि आगे की जर्नी कैसी रहने वाली है। तो अगर आप लखनऊ से हल्द्वानी जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इस बस को बोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए रुकने वाले हैं। बाकी बस देखिए भाई कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है खड़ी हुई, कलर कॉम्बिनेशन जो है ना काफ़ी बढ़िया दिया गया है। कई लोग बस में ट्रैवल इसलिए करना पसंद नहीं करते क्योंकि ड्यूरिंग जर्नी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जैसे कि जो हमारे जो लोगों की नॉर्मल परेशानी रहती है कि टॉयलेट वगैरह करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, ट्रेन बस के अंदर टॉयलेट नहीं रहता है। लेकिन ये जो हमारी बस है समय शताब्दी की वैंस मर्सिडीज़, इस बस में भाई आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही यहाँ पर वॉशरूम दिया गया, लेकिन सिर्फ ये सिर्फ यूरिन करने के लिए, साफ साफ लिखा हुआ है शौच करने पर 500 रुपये का जुर्माना। तो भाई अगर आप बस में जर्नी कर रहे हैं तो इस चीज़ से अब आप निश्चिंत रहें कि आपको अगर टॉयलेट आएगी तो कहीं आपको बस रुकवानी पड़ेगी या कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कंफर्टेबली बस में जर्नी कर सकते हैं। और इस बस की अगर प्राइस की बात की जाए तो मैंने जो पे किया है कानपुर से लेकर बरेली तक वो मैंने पे किया लगभग 650 के आसपास। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस बस में भाई डायनमिक फेयर लगता है, तो जैसे जैसे बर्थ फुल होती जाएंगी वैसे वैसे जो फेयर है ना वो भाई आपका इंक्रीज़ होता जाएगा, खासकर वीकेंड में, सैटरडे संडे के आसपास तो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है। अभी मैं चेक कर रहा था तो अब जो आने वाला सैटरडे भाई उस समय लगभग 850 से 1000 के आसपास फेयर पहुंचा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पहले से बुकिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना तो फिर पे कीजिए भाई। जैसे प्रीमियम ट्रेन में डायनेमिक फेयर लग के फेयर ऐसे उड़ता है ना, वैसे इसमें भी रहता है। आ चुके हैं अपनी बर्थ पर क्योंकि बाहर तो भाई खतरनाक ठंड हो रही है यार, मतलब कैमरा हाथ में पकड़ रहा था ना बिल्कुल हाथ गला जा रहा था। तो लग रहा है भाई साथ में ग्लव्स वगैरह भी कैरी करना पड़ेगा ताकि हम अपने आके बर्थ पर बैठ चुके हैं। और लखनऊ से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स ने बस को बोर्ड किया और ऑलमोस्ट तो मुझे लग रहा है भाई बस बिल्कुल पैक हो चुकी है। तो भाई टाइम हो रहा है सुबह का 5:10 और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन बरेली। और बस जर्नी की बात किया तो बस जर्नी एक्सपीरियंस भाई काफ़ी बढ़िया रहा, लेकिन ये लखनऊ से निकलने के बाद मैं बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था और भाई लेटा तो फिर जो नींद आई है निकलने के बाद उसका सीधा अब जाकर आँख खुली, वो भी तब जब इसमें जो भैया थे उन्होंने आकर उठाया। तो बस हमारी ये पीछे लगी हुई, आप कभी चाहें तो आप भी ट्रैवल कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रहने वाली है। बस ये है कि टिकट बुकिंग करते टाइम ध्यान रखें, बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई जर्नी में, नए सफर तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और फाइनली समयपुर शताब्दी ट्रैवल करते हैं, बाय बाय।